हाँ जी, क्या हाल है? वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं अपनी अप्रेलिया RS457 में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाने। फिलहाल तो मैं हूँ इस टाइम आपका चंडीगढ़ में, तो बेसिकली हम जा रहे हैं अभी करनाल। एनीवेज यहाँ से निकल रहे हैं अभी और टाइम हो चुका है शाम के 5:30। तो जैसा टाइम दिखा रहा है कि 2 घंटे में हम करनाल में होंगे। शिमला के लिए लेना है हमने लेफ्ट, दिल्ली अम्बाला के लिए सीधा। तो अम्बाला है यहाँ से 25 का किलोमीटर के आसपास। मतलब चंडीगढ़ से अगर आपको अम्बाला आना है तो हार्डली आपको 1 आवर लगेगा। बाकी यार विंडशील्ड का रिस्पांस बताता हूँ आपको, तो विंडशील्ड का रिस्पांस बढ़िया है। इतना झुकने के बाद मतलब ऐसा है कि पहले तो बिल्कुल ही हवा ऐसी फील होती थी कि छाती पे लग रही है, अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऊपर से हो जा रही है। तो बॉयज, अम्बाला हम पहुंच चुके हैं। मतलब अम्बाला नहीं है, सिटी तो अंदर होगी। ये ऐसा कुछ चल रहा है रोड का काम यार, काफी जोरों शोरों से। क्या कह रहे हो, बाइकर्स ग्रुप जा रहे हैं? नाइस नाइस। भाई साहब रॉकेट है रॉकेट। बॉयज कुरुक्षेत्र रहा 13 किलोमीटर यहाँ से। चलो अंकल जी दबा दो गड्डी। भाई साहब गंदी ही बारिश और हालत हो रही है भाई खराब, और मोटो व्लॉगिंग सेटअप लगा है बाहर, खराब ना हो जाए सेटअप। बस पीछे देखो शीशे में अगर आपको दिख रहा है तो काले बादल, नेक्स्ट लेवल काले। तो गाइस फाइनली कुरुक्षेत्र पहुंच गए। बाकी बारिश लगी हुई ज़ोरदार, और कसम से बोल रहा हूँ बाजुओं पे ऐसी लग रही है ना। चलो देखेंगे क्या है ना, फिलहाल पहुँचे तो सही। पार्किंग के लिए कुछ नहीं है, छोटी मोटी सी जगह देख लेंगे वहाँ बाइक चपका देंगे। तो अभी पहुँच के अपना कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पे अपना बारिश वगैरह लग गई थी तो मैं थोड़ा रुक गया बाकी मन्नत हवेली में। बाकी ये देखो बारिश से क्या हाल हो रखे हैं, लग तो बढ़िया रहा है वैसे वाइज़र। और साथ में कर दिया खाना हमने ऑर्डर, तो चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं। डन विद डिनर, सो अब टाइम आ चुका है निकलते हैं यहाँ से। बाकी ऐसी कुछ लुक आ रही है सीट काउल के साथ, काफ़ी बढ़िया सी फ्लश सी बिल्कुल प्रॉपर। हेडलाइट्स का रिस्पांस बढ़िया। तो यार फाइनली हमारी बाइक आ चुकी है रोर ऑटोमोबाइल फैब्रिकेटर्स के पास, और फिलहाल हम जो है ये जो आपकी फेयरिंग है इसको खोल रहे हैं, लोअर फेयरिंग को और अपर फेयरिंग को, ताकि एग्जॉस्ट को इंस्टॉल कर सकें। तो यार फाइनली जो है इसकी फेयरिंग जो है वो खोल दी है राहुल भाई ने, और अब देखो कुछ ऐसी लुक आ रही है इसकी। तो जो साइड वाली जो फेयरिंग है वो भी खोल दी, और अंडर वैली वाली भी फेयरिंग खोल दी। और जैसे आप देख सकते हो तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें अलग से प्लास्टिक की वो आती है अटैचमेंट, तो वैसा कुछ है। बाकी ऐसा कुछ दिख रहा है इसका स्टॉक एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट नोट तो आपने सुना ही है, तो अभी एक बार दोबारा से एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो गाइज फिलहाल जो है हेडर और एग्जॉस्ट रिमूव कर दिया राहुल भाई ने, तो लगे हुए काम पे वो। और ये देखो आप ऐसी कुछ लुक आ रही है अभी, तो थोड़ी देर में इंस्टॉल करते हैं दूसरा एग्जॉस्ट और दिखाते हैं आपको पहले उसकी लुक। तो ये रहा अपना एग्जॉस्ट, आप ध्यान से लुक देखो इसकी कितनी प्रीमियम लग रही है।
तो ये है क्रपोविच का रेसिंग लाइन मास्टर रेप्लिका, और इसमें साथ में जो ब्रांडिंग है RS457 ऐसी कुछ दिख रही है। बाकी ये देखो प्रॉपरली डिज़ाइन बाय एप्रिलिया फॉर RS457। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो मटेरियल है ये आपकी कार्बन फाइबर है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर। तो ऐसा कुछ लुक आ रहा है एग्जॉस्ट का। फटाफट से इसको इंस्टॉल करवाते हैं एंड देन देखते हैं फाइनल आउटपुट कैसा आता है। तो देखो ये ऐसे कुछ लुक आ रही है इसकी एग्जॉस्ट के हेडर की। बेसिकली ये आपका एंड टिप है और हेडर यहाँ से स्टार्ट होता है। सो यहाँ से डबल पाइप्स जा रही हैं। बाकी O2 सेंसर जो है वो सेंटर में लगा है, ना कि एक साइड या दूसरी साइड पाइप के, क्योंकि इसने दोनों साइड का सेंस करना होता है, ना कि एक पाइप का। सेकेंडली RS457 की ब्रांडिंग लाइट अच्छी नहीं आ रही है, अभी आपको दिन को भी शॉर्ट्स दिखाऊंगा, मैं अटैच कर दूंगा। बाकी अप्रिलिया रेसिंग की ब्रांडिंग और रोर एग्जॉस्ट की ब्रांडिंग विजिबल हो रही है इसमें। तो ऐसा कुछ लुक आ रहा है अभी, तो फटाफट से इंस्टॉल करते हैं इसको। तो ऐसा कुछ दिख रहा है यार, इसका जो हेडर है और आपकी मिड बैन है, मतलब टोटल एक ही चीज़ है, फुल सिस्टम है। तो अभी एंड कैन लगाएंगे, पहले तो फेयरिंग को फिक्स करेंगे देन एंड कैन इंस्टॉल करेंगे। सिंगल पीस में ये डबल पीस में नहीं है, क्योंकि डबल पीस में जब होता है तो एयर लीकेज का थोड़ा रिस्क रहता है। ये सिंगल पीस में है। सेंटर में जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका रेजोनेटर, और इसको हल्का सा ब्यूटेन से हमने थोड़ा सा टिंट देने की कोशिश की है ब्लू कलर का। तो यार अभी फेयरिंग इंस्टॉल हो रही है, और जैसा आप देख सकते हो तो फेयरिंग इसकी डबल फेयरिंग में आती है, तो वाइट पोर्शन डिफरेंट है और ब्लैक वाला जो है वो डिफरेंट है। ऑलराइट बॉयज, तो जो आपकी जो पाइप थी वो तो कनेक्ट हो गई है, हेडर जिसको बोलते हैं। सेकेंडली अभी जो इंस्टॉल हुआ ये है आपका एग्जॉस्ट हैंगर जो इसको बोलते हैं। तो ये उनके लिए जो मतलब विद पिलियन नहीं राइड करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे सीट काउल लगा हुआ है, तो अपन ने किसी को बिठाना तो होता नहीं है, तो इसलिए ये मैंने इंस्टॉल करवाया। बाकी आपकी इसमें नॉर्मली जो आपका फुट रेस्ट होता है ये चीज़, तो इसमें ही एग्जॉस्ट इंस्टॉल होगा। तो गाइस फाइनली इंस्टॉल हो गया अपना एग्जॉस्ट, काफी टाइम लगा इसमें। तो एक बार इसकी साउंड चेक करो, क्वालिटी भी देख लो एक बार, लुक्स चेक करो इसकी। हो सकेगा तो मैं इसके दिन में शॉर्ट्स डालूंगा, बहुत सारे शॉर्ट्स डालूंगा, आपको अच्छे लगेंगे। और कहां से खरीदना है, कैसे लेना है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी चैनल पे। बाकी फिलहाल के लिए इसका एग्जॉस्ट नोट चेक करो। लगवा दिया किडनी बेच के। पटाखे सुनो पटाखे। हर कुछ क्रेजी मैन क्रेजी। और मेन चीज है यार कि एग्जॉस्ट नोट जो है ना बेसी है, तो कानों में चुभ नहीं रहा है। और राहुल भाई की ये है अपनी ड्यूक 390, तो जो भी एग्जॉस्ट का काम किया है बेसिकली राहुल भाई ने किया है। भाई इफ यू ओन एन एप्रिलिया ना, इन्वेस्ट इन ए गुड एग्जॉस्ट, क्योंकि भाई सब क्रेजी एग्जॉस्ट नोट आ रहा है इसका। ऐसा कुछ लुक आ रहा है देखो एग्जॉस्ट का एक्रा। और एक बार एक ही एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं सुना सकता क्योंकि लोकल लाइट वाला एरिया। अभी गर्म नहीं हुई भाई। क्रेजी लाउड हो रखी है और ऐसी कुछ लुक आ रही है। तो ये रही अपनी अप्रिलिया,
कार्बन फाइबर के लुक्स देख सकते हो आप, क्या शाइन मार रहा है। और ये राहुल भाई की बाइक है, क्रापोविच का इसमें लगा है एग्जॉस्ट, तो ये भी बड़ा अच्छा साउंड करता है। मीट द आर्ट द आर्टिस्ट, सिंपल सी बात कहूँगा मैं, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसकी प्योर साउंड की, एक बार वो चेक करना वीडियो। बाकी एग्जॉस्ट के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं रोर एग्जॉस्ट ऑफिशियल चैनल पे चेकआउट कर लेना, और कोई भी क्वेरी है, और ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस एग्जॉस्ट की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास आ रही है, तो अगर आपको लो बजट में भी चाहिए या फिर मिड बजट में भी चाहिए तो वो सारे एग्जॉस्ट रेडी करे जा सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड राइड सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।